एक रात लगाया और 20 साल पुराना जोड़ों और घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। आप भी इसको जरूर आजमाएं। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे नुस्खे को बनाकर दिखाऊंगा जिसका प्रयोग करने से चाहे आपका जोड़ों और घुटनों का दर्द कितना भी पुराने से पुराना हो, दोस्तों वो भी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। वैसे तो दोस्तों जो मुख्य नुस्खा है वो तो मैं अभी आपको बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके साथ में यदि आप एक खाने वाला नुस्खा भी अपनाएंगे तब आपको और भी तेजी से इसके चमत्कारी फायदे होंगे। और वो खाने वाला नुस्खा ये है कि आपने क्या करना है, हर रोज रात को सोते समय एक चम्मच मेथी दाना का लेकर उसको एक गिलास पानी में भिगोना है और सुबह बासी मुंह उस पानी को भी पी लेना है और उस मेथी दाना को भी चबा चबा कर खा लेना है। और उसके साथ में इस नुस्खे को जो अभी हम इस वीडियो में आपको बनाकर दिखाएंगे इसका प्रयोग आपने रात को सोते समय या दिन में भी आप एक बार कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे चाहे आपके जोड़ों और घुटनों का दर्द कितना भी पुराने से पुराना हो वो भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये काम कैसे करेगा, दोस्तों जो अभी अपने खाने वाला नुस्खा मैंने आपको बताया वो क्या करेगा, वो कैल्शियम का खजाना है, आपके शरीर की हड्डियों को वज्र के समान मजबूत बनाएगा, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, आपके हड्डियों के दर्द का इलाज करेगा। दोस्तों उससे क्या होगा कि आपके जो जोड़ हैं और आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत बन जाएंगी, तो आपको इस वजह से कोई दर्द नहीं होगा। और वैसे भी जो मैक्सिमम दर्द होता है वो होता है कैल्शियम की कमी के कारण, यानी आपकी एक समस्या दूर हो जाएगी। और ये नुस्खा आपके दर्द को हारने का काम करेगा। जब आप उस नुस्खे को लेने के बाद इस नुस्खे को अप्लाई करेंगे तब आपको इसका चमत्कारी रिजल्ट दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री कि आपको क्या क्या इसके लिए सामग्री चाहिए। आवश्यक सामग्री, एक चम्मच हल्दी। दोस्तों हल्दी एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटीसेप्टिक का काम करती है, जो आपके सभी तरह के दर्द को हरने का काम करती है। दूसरा, एक चम्मच गुड़। दोस्तों गुड़ आप जितना पुराना गुड़ हो आप वो ही लें, वो इसके लिए सबसे बेस्ट है। नए गुड़ की जगह आप पुराना गुड़ लें, या अगर आपके पास नया गुड़ है तब आप उसको किसी पॉलिथीन वगैरह में लपेटकर अच्छी तरह से रख दें, तो वो एक दिन में ही धूप में रख दें तो वो काला पड़ जाएगा, उसमें पुराने वाले गुण आ जाएंगे। अब जो तीसरी इसमें सामग्री है वो है दोस्तों चूना। दोस्तों चूना भी बहुत जबरदस्त है आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, आपके शरीर के दर्द को हारने के लिए। और जो चौथी इसके लिए सामग्री चाहिए वो चाहिए पानी, यानी आपको सिर्फ ये चार चीजें चाहिए, इन चारों से आपका जो शरीर का हर तरह का जोड़ों और घुटनों का दर्द बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। अब जानते हैं इसका प्रयोग आपने करना कैसे है। दोस्तों आपने क्या करना है, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच गुड़ और एक चुटकी चूने को लेकर किसी कटोरी या किसी बर्तन में इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अब इसमें आपको जरूरत के अनुसार पानी डाल देना है, जितने में ये अच्छा आपका गाढ़ा पेस्ट बन जाए। जैसे कि ये हमने इसमें पानी डाल दिया और ये हमारा अच्छी तरह से गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार हो गया। दोस्तों ये है आपकी औषधि जिसका आपने प्रयोग करना है। अब जानते हैं कि इसका प्रयोग आपने करना कैसे है। दोस्तों आपने क्या करना है, रात को सोते समय इसको जहां भी आपको दर्द है, जैसे आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों के ऊपर इसको अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। मसाज करनी है आपको 8 से 10 मिनट तक, और उसके बाद इसके ऊपर कोई भी गर्म कपड़ा बांधकर, गर्म पट्टी बांधकर आप लेट जाएं, और आप देखेंगे दोस्तों कि 10 से 12 मिनट में ही आपका जोड़ों और घुटनों का दर्द बिल्कुल छूमंतर की तरह गायब हो जाएगा। दोस्तों ये तो हो गया आपके दर्द को हारने का बाहरी प्रयोग, और जो हमने आपको खाने वाला मेथी दाना बताया था वो हो गया अंदर से आपके शरीर को मजबूत बनाने का नुस्खा, यानी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का नुस्खा। तो दोस्तों आप इन दोनों नुस्खों को अपनाएं और अपने हर तरह के दर्द, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो चाहे घुटनों का दर्द हो, उसका बिल्कुल जड़ से इलाज कर दें और अपने शरीर की हड्डियों को भी वज्र के समान मजबूत बना दें। तो दोस्तों देर किस बात की है, यदि आप भी दर्द से परेशान हैं या आपका कोई रिलेटिव जानकर दर्द से परेशान है तो अभी इस वीडियो को उसको टैग कर दीजिए ताकि वो भी इस नुस्खे को अपने घर पर बनाए, इस नुस्खे का प्रयोग करें और अपने दर्द का इलाज कर दे। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।